नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर MCX Sure Gain के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग ऑटोमेटिक ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं और हमारे ज़्यादातर वीडियोस ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के बारे में ही होते हैं, किस तरीके से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग काम करती है, हमारा प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है, ये सब चीज़ें हम अपने वीडियोस में बताते हैं। लेकिन कई बार क्लाइंट्स की जो इंक्वायरीज आती हैं वो पूछते हैं, उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती है एल्गो ट्रेडिंग के बारे में, एल्गो ट्रेडिंग के बारे में कि क्या होती है और किस तरीके से ये काम करती है। तो ये वीडियो जो है वो बिगिनर्स के लिए है, जिनको बिल्कुल भी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता और जिनको जानना है कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग अगर उन्हें करनी है तो क्या क्या चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल पाए। और जो हमारे रिटर्निंग कस्टमर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट कीजिए ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियोज़ बना पाएँ। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो क्लाइंट्स यही पूछते हैं कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग क्या पॉसिबल है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले क्या था कि ओनली इंस्टीट्यूशंस ही ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर पा रहे थे, रिटेल कस्टमर्स को ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला वैसे वैसे धीरे धीरे करके ब्रोकर्स ने भी रिटेल कस्टमर्स को API देना शुरू कर दिया और उनकी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग पे भी काम चालू हो गया। अब आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि API क्या होता है। तो दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक ऐसा इंटरफेस है जो कि आपके सिग्नल्स को आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए मददगार होता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए सिर्फ API की ही ज़रूरत नहीं पड़ती, एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं ब्रिज। ब्रिज का काम ये होता है दोस्तों कि चार्ट के सिग्नल को उठाना और आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि API किस तरीके से काम करती है। जैसे ही आप एक API की रिक्वेस्ट करते हो अपने ब्रोकर को, एक बात और मैं इसके बीच में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अभी तक भी सारे ब्रोकर्स जो हैं API नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ की API पेड हैं, कुछ की फ्री हैं और कुछ अभी तक प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने ब्रोकर से यही जानकारी लेनी है कि आपका ब्रोकर क्या API प्रोवाइड करता है और अगर प्रोवाइड करता है तो क्या वो फ्री है या वो पेड है। ठीक है, तो जैसे ही आपको API मिलेंगी उसके बाद आपको क्या करना होता है, API ब्रिज में जाना होता है और वहाँ पर आपकी API की और API सीक्रेट्स को डालना होता है और उसके बाद एक्सेस टोकन के लिए रिक्वेस्ट करना होता है। जैसे ही आप वो API सीक्रेट और की डालकर एक्सेस टोकन के लिए गेट एक्सेस टोकन को क्लिक करते हैं, वैसे ही आपके ब्रोकर के पास हमारी रिक्वेस्ट जाती है और वो ऑथेंटिकेट करता है ब्रोकर की जो आपने डिटेल दी है क्या वो सही है या गलत है। अगर वो डिटेल गलत होती हैं तो वो कनेक्शन को रिफ्यूज़ कर देता है और अगर वो डिटेल सही होती हैं तो वो आपको एक टोकन प्रोवाइड करता है। टोकन दोस्तों इस काम आता है कि जब टोकन के साथ हम कोई ट्रेड भेजते हैं, यानी कि प्लेस ऑर्डर की API हिट करते हैं, यानी कि ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम अगर ब्रोकर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारा टोकन चेक करता है। अगर टोकन वैलिड होता है तो वो हमारे ट्रेड को परफॉर्म कर देता है, अगर टोकन वैलिड नहीं होता तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस का एक एरर थ्रो कर देता है। मैं जानता हूं दोस्तों ये थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, फिर भी मैं आपको दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्सेस टोकन हमारा इस तरीके का टोकन होता है जो कि ब्रोकर हमें वैलिडेट करके देता है 24 आवर्स के लिए, यानी कि पूरे ट्रेडिंग डे के लिए। अगर हम टोकन के साथ कुछ भी रिक्वेस्ट वहाँ पर भेजते हैं तो वो उसे हमें उसका रिस्पॉन्स देता है ब्रोकर का API। अगर हमने गलत एक्सेस टोकन भेजा तो वो हमें रिप्लाई नहीं देगा और वो मना कर देगा, यानी कि एरर थ्रो कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों प्रोसेस की किस तरीके से API काम करती हैं। अब बात करते हैं कि API ब्रिज का क्या काम है। API ब्रिज ऑथेंटिकेशन भी करता है और साथ ही साथ आपके चार्टिंग के सिग्नल्स को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स तक भेजता है। तो ब्रिज का काम ये होता है दोस्तों कि जैसे ही कोई सिग्नल बनता है, मान लीजिए आप एग्जांपल के लिए MetaTrader 4 का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप किसी एक्सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं या और किसी चार्टिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस सिग्नल से वहाँ पर आप अपना जो फॉर्मूला आपने लगाया है, जो एल्गोरिथम आपने लगाया है, उसके हिसाब से जब सिग्नल जनरेट होता है तो वो ट्रेड करता है।
अब ये प्रोसेस जो है वो ब्रिज के थ्रू कंप्लीट होता है, यानी कि चार्टिंग सॉफ्टवेयर से सिग्नल निकलेगा और चार्टिंग सॉफ्टवेयर से सिग्नल निकलने के बाद वो ब्रिज तक जाएगा और ब्रिज पे पहुंचने के बाद वो ब्रिज आपको आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक उस सिग्नल को पहुंचा देगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है दोस्तों, ये सारा प्रोसेस जो है इसको हम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ही क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें हम एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, यानी कि जो मैंने आपको सबसे पहले बताया चार्टिंग प्लेटफॉर्म जिसका मैंने नाम लिया, चार्टिंग प्लेटफॉर्म में हम क्या करते हैं मैथमेटिक फॉर्मूलाज बनाते हैं और उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं चार्ट के डेटा पे, हिस्ट्रिकल डेटा पे, और साथ ही साथ वो सिग्नल्स को जनरेट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँ, जो सबसे आसान इंडिकेटर और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर जो कि मेटाट्रेडर हो या ट्रेडिंग व्यू हो, वो है दोस्तों मूविंग एवरेज, ठीक है। तो मूविंग एवरेज का अगर आप यूज करते हैं, अब मूविंग एवरेज में चार अलग अलग टाइप के मूविंग एवरेजेस होते हैं, जैसे सिंपल, एक्सपोनेंशियल, स्मूथ और लीनियर वेटेड। सबसे पहले हम सिंपल मूविंग एवरेज की बात करते हैं। मान लीजिए आपने 14 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज यूज किया, तो उसका मतलब ये है कि हम ये एल्गोरिथम लगा रहे हैं कि जब भी प्राइस 14 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर जाके कैंडल क्लोज करे तो हमारा बाय सिग्नल ले लो, और जब प्राइस 14 पीरियड की मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोज करे तो सेल सिग्नल ले लो। इस तरीके की डायरेक्शंस हम देते हैं। अगर हम इन कामों को मैनुअल करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे कैंडल क्लोज होने के बाद हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वहां पर हम बाय का बटन प्रेस करेंगे, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, जो भी हमें जिस तरीके से ट्रेड करना है उसको हम आगे करेंगे और उसके बाद सबमिट का बटन दबाएंगे, फिर वो सिग्नल ट्रेड लेगा। लेकिन एपीआई बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फिल होती हैं और वो कंप्यूटराइज तरीके से वहां पर जाता है, तो वो बहुत जल्दी जाता है, वहां पर आपको मिली सेकेंड्स में ट्रेड हो जाता है, यानी कि स्लिपेज से भी आप बच जाते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए आपने बाय का सिग्नल लिया और बाय के बाद मार्केट और ऊपर जाने लगा तो वहां पर स्लिपेज आपको मिलेगा, यानी कि 100 पे अगर आपको बाय करना था तो वहां पर जाके जब आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो हो सकता है 100 रुपये 50 पैसे या हो सकता है 101 रुपये का प्राइस चला जाए, तो ये स्लिपेज भी आपकी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग से बचती है। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद उससे ऑटोमेटिक सिग्नल जनरेट कराना और उस सिग्नल को ब्रिज तक पहुंचाना, ब्रिज उस सिग्नल को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचाता है, इस सारे के सारे प्रोसेस को हम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, रोबोट ट्रेडिंग, ये सब चीज़ों के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो प्रोसेस है इंडिया में ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने का, बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का जो काम है वो यही है कि सिग्नल को सीधा सीधा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे पहुंचा देना। बाहर की कंट्रीज में जब ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होती है तो उनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके जो पैनल्स होते हैं, उनमें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ट्रेडिंग एनेबल्ड होती है या एनेबल करने का बटन होता है, जिससे कि आप उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके डायरेक्ट ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें ब्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्योंकि इंडिया में ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, जो कि रिसेंटली अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, तो अभी क्या है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए हम एपीआई ब्रिज का यूज करते हैं, जिससे हम ऑथेंटिकेट करते हैं अपने अकाउंट को और साथ ही साथ जो आपका ट्रेड है उसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचाते हैं। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने का। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका ब्रोकर कौन है। बेसिकली अभी मैं बता दूं आपको, ज़ीरोधा आपको एपीआई प्रोवाइड करता है, लेकिन उनकी पेड एपीआईज हैं एलिस ब्लू, एंजल, फायर्स, ट्रेड स्मार्ट, ये सब फ्री में आपको एपीआई प्रोवाइड करते हैं। सैमको भी आपको फ्री में एपीआई प्रोवाइड करता है, तो अगर आपका अकाउंट इन ब्रोकर्स में है तो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। इवन 5 पैसा भी आपको फ्री में प्रोवाइड एपीआई प्रोवाइड करता है, तो अगर आपका अकाउंट इन ब्रोकर्स के साथ है तो आप इजीली ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के बारे में तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं जिसका नाम है algocrab.com। जब आप algocrab.com पर जाएंगे तो वहां पर आपको 6 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। 6 डेज के फ्री ट्रायल में आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होती है। आप कोई भी छोटा सा एक स्टॉक या एक शेयर लगा के चेक कर सकते हैं किस तरीके से करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी के ऊपर ही ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना चाहूँगा, तो भी हम उनको कोड करके आपको दे सकते हैं। उसके लिए आपको 1 टाइम का डेवलपमेंट चार्जेस पे करने होंगे। जो भी हमारे चार्जेस होंगे वो आप पे करके एक 1 टाइम स्ट्रेटजी बना सकते हैं। वो स्ट्रेटजी आपके लिए होगी और आप उसे लाइफ लॉन्ग यूज़ कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको ब्रिज का जो पेमेंट है वो मंथली करना होगा, उसके अलावा आपको कोई और पेमेंट नहीं करना होगा। वहीं अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है और आप स्ट्रेटजी के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं
तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को तब भी यूज कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे 8 अलग अलग स्ट्रेटजीज मिलती हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा हीट मैप के सेक्शन में। जैसे ही आप हीट मैप के सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको दिख जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटजी में कौन से सिंबल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जाएंगे जब प्लेटफॉर्म पर, तो जाकर हीट मैप में चेक कर सकते हैं कौन से सिंबल अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं सिंबल पर अपने स्टॉक्स या कमोडिटीज पे आप ट्रेड करें तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्ट्रेटजी साइकिल क्या होता है और किस तरीके से एक स्ट्रेटजी को बनाना चाहिए और एक क्या है सही तरीका स्ट्रेटजी बनाने का। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।